हेलो गाइस, हाय, दिस इज मी माय सेल्फ डी चिंकीनाथ एंड यू आर वाचिंग द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा अस्तु, वन सेकेंड। गाइज, हंसने वाली बात कुछ है नहीं। अभी तो COVID-19 की जमाना है, वही सब लूट रहे हैं हम लोगों को, तो डेफिनेटली सो वी हैव टू केयर आवर सेल्फ। सो आप लोगों का कुछ सलाह मशवरा मुझे भी चाहिए और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मैं सबको देना चाहता हूँ मेरा जो नॉलेज है एवरीथिंग। सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर टू, सोशल डिस्टेंस जो है वो हम लोगों को जैसे भी करके पालन करना है। नंबर थ्री एंड इम्पॉर्टेंट कि आप लोग जितना हो सके घर से बाहर ना निकले। ये तीन चीज़ आप लोगों को करना है जैसे भी करके। हम लोगों को क्यों करना है? सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक कोरोना वायरस की COVID-19 की मेडिसिन अभी तक नहीं निकली है, तो इसीलिए हम लोगों को जितना हो सके ये सब गवर्नमेंट की तरफ से हो या WHO की तरफ से हो हम लोगों को दिया गया है कि ये अगर करोगे तो आप लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप लोगों को भगवान ना करे अगर आप लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए तो वो सबसे अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर का कहना अगर मानते हैं तो डेफिनेटली आप लोग बहुत जल्दी उससे भी रिकवर हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं कि कोरोना वायरस से बच के निकल के आ गए हैं, मतलब कोरोना वायरस उन लोगों को अटैक किए हैं मगर डॉक्टर ने जो हम लोगों को ट्रीटमेंट किया है उन सबसे बच के हम लोग निकल के आ गए हैं। वैसे भी कुछ है, बहुत सारे हैं ऐसे। हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, ऐसे जाल एक बिछा हुआ है कोरोना वायरस के थ्रू, क्योंकि वो आपका एक से लेके हजार तक, हजार से लेके लाखों तक, लाखों से लेके करोड़ों तक फैल सकता है, जो कि ये बहुत जानलेवा बीमारी है। अमेरिका दुनिया का एक नंबर कंट्री मानते हैं सब लोग, तो वो अभी हार मान चुके हैं। और अभी तक हम लोग का इंडिया में 1 लाख से क्रॉस कर गया कोरोना इफेक्टेड पीपल्स और बहुत सारे बच भी गए हैं अभी तक, जो कि हम लोग अगर लापरवाह होंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग सोशल डिस्टेंस, मास्क या फिर आप जो गवर्नमेंट के थ्रू WHO के थ्रू आपको देते हैं वो उनको पालन करना ज़रूरी है। सैनिटाइजर आप लोग पॉकेट में लेके चलिए, कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तभी आप ये सैनिटाइजर यूज़ करिए, तब ये बीमारी से बच सकते हैं। तो बस यही था मेरा जानकारी, तो इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। आप सभी को पता है, डेफिनेटली पता होगा, मगर और एक बात आप लोगों को पता होगा, मगर आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को पता होता है सब कुछ मगर आप लोग मानने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, घबराते हैं या फिर कुछ ना कुछ तो आप लोग आलसीपन होता है या ऐसे कुछ होता होगा, सबका होता है। मगर ये अगर हम लोग सुधार पाएंगे ना तो डेफिनेटली वी कैन विन दिस वॉर। तो कुछ नहीं, हम लोग को लड़ना है इस बीमारी से, डेफिनेटली वी कैन विन। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इतना नहीं झड़ूंगा, आप सभी को पता होगा ज़रूर। तो डेफिनेटली ये सब कुछ जो है आप लोग अमन ज़रूर करिएगा। आज तो व्लॉग नहीं बनाया, आज मैं मेरा जो जानकारी था और बहुत सारा है मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप सभी को पता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन पूरी तरह से तो मान नहीं सकेंगे क्योंकि इसे जो हम लोगों का इकोनॉमी है वो बहुत गिर जाएगा, ऑलरेडी गिर चुका है। बहुत सारे आदमी का जॉब भी गए हैं, बहुत सारे आदमी का काम पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। छोटा मोटा जो बिजनेसमैन है वो सब बैठा हुआ है। अभी मैक्सिमम आदमी जो है बहुत पूरी तरह से डर गया है, काम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, काम करने से अभी बहुत पीछे हो गया है।
अभी जो है आदमी लोग जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली है सब कुछ। इसीलिए आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है कोरोना वायरस से या कोविड 19 से, आपको डट के मुकाबला करना है, तभी जाके हम इस वॉर में जीत सकेंगे। और इंडिया ही ऐसी कंट्री है अभी तक बहुत अच्छी तरीके से जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल विन सून। तो आप लोग भी हिम्मत मत हारिएगा, डरना नहीं है बिल्कुल। और जो सरकार के थ्रू या WHO के थ्रू हम लोगों को बोला गया है वो सब कुछ पालन बिल्कुल करना है। अगर एक भी छोटा सा गलती हो गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो इसीलिए सबसे बेटर यही चीज़ है कि हम लोगों को ये सब कुछ पालन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जॉय। बाय।